अपने कर रहे थे क्लास 10 के लिए, अपना टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें उन्होंने कर लिया विद्युत धारा, विभव, विभवांतर सब कुछ कर लिया। आज अपने करेंगे प्रतिरोधकता, पढ़ेंगे कि प्रतिरोधकता होती क्या है, ये किसके इक्वल है और किस पे ये निर्भर करती है। ये पढ़ने से पहले प्रतिरोधकता, इसको प्रतिरोध का रूप कहा जाता है। प्रतिरोध अपनों ने देखो पिछली वीडियो में किया था कि प्रतिरोध किसको कहा था, अपने आर को, आर बराबर अपने इसको प्रतिरोध कह रहे थे, ठीक है। ये क्या था, एक नियतांक था, कॉन्स्टेंट था, और इसकी वैल्यू क्या थी, बिल्कुल फिक्स थी, एक फिक्स वैल्यू का कॉन्स्टेंट था ये, ठीक है। इसी से रिलेटेड क्या होता है अपना प्रतिरोधकता। तो सबसे पहले अपने क्या पढ़ेंगे, प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे, तब जाके अपने क्या समझेंगे कि प्रतिरोधकता एक्चुअली होती क्या है। तो देखो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा है, परिपथ ले लो, सर्किट है, उसमें क्या लगा है, पूंजी है, बैटरी है और एमिटर है, और जहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे दो बिंदु है, इनको खुला छोड़ रखा है, मतलब इनमें से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा जब तक अपने इनको बराबर नहीं करेंगे। अब सबसे पहले आपने देख लिया था कि प्रतिरोध होता क्या है, एक नियतांक है, किसने दिया, जॉर्ज साइमन ओम ने दिया, तो इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। ओम का साइन कुछ इस तरह से होता है, इसको अपने क्या कहते हैं, ओम। अब देखो सबसे पहली बात, प्रतिरोध ले रहे हैं आपने, प्रतिरोध, प्रतिरोध की क्या चेक करनी है अपने को, निर्भरता, कि किस पे डिपेंड करता है, कि प्रतिरोध कम ज्यादा होता है, ठीक है, तो किस कारण होता है और ये काम क्या आता है। तो सबसे पहले निर्भरता पढ़ेंगे, उससे पहले देख लो कि ये काम क्या आता है। अपने एक वी थी, पहले देखो उन्होंने वी इज इक्वल टू आई आर दिया था, अपनों ने पिछली क्वेश्चन जो की थी वहां से आया था, आर का मान निकाला, तो हमने क्या किया, वी अपॉन में आई आर। अगर अपने घर पे या मान लो कि अपने कोई भी सर्किट बना रहे हैं, उसमें अपने क्या करें, V की वैल्यू क्या कर दे, बिल्कुल फिक्स कर दे, कॉन्स्टेंट वैल्यू कर दे कि V तो इतना है तो इतना ही रहेगा, तो R बराबर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में I, I क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी। और देखो R क्या है, इसके व्युत्क्रमानुपाती है, R किसकी व्युत्क्रमानुपाती है, I के, तो अपने इसको कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे इसको, R समानुपाती वाले कोण में I। इसका लिखने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे ये धारा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और जैसे जैसे धारा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। तो देखो अगर अपने धारा को कंट्रोल करना है कि अपने घर में कितनी वोल्टेज आ रही है, अपने जो सर्किट बनाया उसमें अपने को कितनी जो है करंट फ्लो करनी है, तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, R प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस को अपने कंट्रोल करना पड़ेगा। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है, किस काम में आता है। अब देखते हैं इसकी निर्भरता, ये किस किस पे निर्भर करता है, क्या कुछ इसका होता है। देखो सबसे पहला पॉइंट आता है प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई पर। देखो चालक है तभी जो है धारा बहेगी वरना नहीं बहेगी, तो किस पे करता है, चालक की लंबाई पर, ठीक है। ये आ गया आपका फर्स्ट पॉइंट। इसको समझो कैसे, देखो मैंने यहाँ पे दो चीजें यहाँ पे नोड है जो इसको खोल के रखा है, यहाँ पे मान लो मैं कि यहाँ से लेके देखो बिल्कुल इसके इक्वल लगा रही हूँ, ये मान लो एक मीटर की है, अपने पास धातु का कोई तार है, मैंने इसको उठा के यहाँ भी लगा दिया इस परिपथ में, तो क्या आएगा, धारा का जो है धारा बहने लग जाएगी, यहाँ लगा दिया मैंने इसको, ठीक है। अगर यहीं पे मैं यहाँ से लेके इतना बड़ा तार लगा दूँ, मान लो 3 मीटर या 4 मीटर का है, कुछ भी मान लो थोड़ा बड़ा है इससे, मतलब अगर ये अपने लगा रहे हैं तो क्या होगा, धारा का मान उसमें कम जाएगा, प्रतिरोध। अब देखो धारा जितनी लंबाई जो बढ़ेगी वैसे वैसे प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, धारा का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, मतलब चालक की जो लंबाई है, जैसे प्रतिरोध जो है चालक तार का वो लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है, लंबाई बढ़ाते जाओगे तो धारा का मान कम होता जाएगा, मतलब प्रतिरोध क्या होता जाएगा, अपने आप बढ़ता जाएगा। तो आर समानुपाती एल, अपने पास पहली इसकी समीकरण आ गई, ये तो हो गया, ठीक है, एक टाइप के लिए। अब देखो लंबाई का हो गया, लंबाई के बाद ये किस पे डिपेंड करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट पर, अनुप्रस्थ काट मीन्स उसके एरिया पे, क्षेत्रफल पे, चालक के अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट देखो अपने पास मान लो ये तार है, ठीक है, इस तार को अगर आप मान लो ये तार है अपने पास, इसको सामने से देखोगे, ठीक है, किस तरह की दिखाई देगी, इस तरह की दिखाई देगी, मतलब क्या है, एक व्रत है अपने पास, सामने से दिखाई देगी, देखोगे इसी तरह टाइप की दिखाई देगी। अब इन्होंने क्या कहा, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं अपने, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है अपना पूरा।
चालक जो यहाँ अपने कह सकते हैं कि आवेश जो है वो क्या जाएंगे इसमें से ज्यादा प्रभावित होंगे। तो मतलब क्या है, ज्यादा करंट फ्लो, ज्यादा चालक जा रहे हैं तो धारा भी क्या हो रही है, ज्यादा जा रहे हैं, प्रतिरोध क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो धारा कैसे है, ज्यादा है इसमें। और इसका प्रतिरोध क्या होता है, आप लिख रहे प्रतिरोध को, प्रतिरोध क्या होता जा रहा है इसका, बिल्कुल कम होता जा रहा है। तो मतलब जो अपना प्रतिरोध है वो किसके समानुपाती होगा, 1/a के। a से मैंने यहां लिया है एरिया से अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, कि जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा तो क्या होगी, धारा बढ़ती जाएगी और प्रतिरोध क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और जैसे जैसे अपना एरिया कम होता जाएगा वैसे धारा कम, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यहां से अपने को क्या प्राप्त होगी, समीकरण नंबर 2 प्राप्त होगी। ठीक है, इसका एक तीसरा पॉइंट भी आता है, सी पॉइंट, वो होता है कि किसी भी चालक जो तार है अपने पास उसकी प्रकृति पर, चालक तार लिख लो चाहे सीधा तार लिख लो, तार की प्रकृति पर, सोना चांदी या एल्यूमिनियम ये सब है इनकी प्रकृति है, इस पे भी निर्भर करेगा। और चांदी जो है वो सर्वोत्तम जो होता है चालक होता है इसका। ठीक है, अब इतना हो गया। अब समीकरण याद रखना, पहली जो थी आर्समानुपाती एल और दूसरी थी आर्समानुपाती 1/a। अब इसको दोबारा से करते हैं, आपने क्या ले लिया, पहली समीकरण क्या थी अपनी r समानुपाती l और दूसरी क्या थी r समानुपाती 1/a। तो समीकरण 1/2 से दोनों को जोड़ देंगे अपन। जोड़ने का मतलब ये है कि इनकी एक साइड इक्वल है तो वैसे इसको लिख देंगे, अगर इनको अपने इक्वल बराबर में मतलब इसको कंबाइन करके लिखना चाहिए तो क्या लिखेंगे, l / a, r समानुपाती l एंड r समानुपाती 1/a। अब सिंपल सी बात है, आर के बराबर अपने को क्या करना है, इसके बराबर में लेके आना है। तो यहाँ पे अपने कॉन्स्टेंट लगाएंगे इस टाइप से और साथ में क्या आ जाएगा, एल अपॉन में ए। ये जो कॉन्स्टेंट है ना इसको अपने क्या बोलते हैं, रो। ये एक नियतांक है, ये क्या कहलाता है, रो कहलाता है, रो। ठीक है, तो अब मान लो कि अपने क्या कर दें, लंबाई अब अपने इस आर के इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, रो की वैल्यू निकालो, क्या आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा एरिया अपॉन में क्या आ जाएगा, एल। ठीक है, अब रो की वैल्यू निकालो, अब अपने क्या करेंगे, अगर प्रतिरोध को तो अपने कम नहीं कर सकते तो इसका क्या करेंगे, एरिया अपनों ने क्या कर दिया, 1 मीटर ले लिया है, कैसे कर लो, 1 मीटर स्क्वायर कर लो। ठीक है, लंबाई होगी अपने यहाँ पे मीटर में ले लो। ठीक है, इसको क्या कह दिया अपनों ने, 1 मीटर लंबाई ले ली, तो दोनों एक एक ले लिए आर इंटू एक अपॉन में। तो सिंपल सी बात है, रो किसके बराबर हो जाएगा, प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा। तो यही कंडीशन है कि रो जिस जिस पे निर्भर किया था, लंबाई पे, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे और प्रकृति पे, वैसे ही जो रो है अपना ये भी इन्हीं तीन चीजों पे निर्भर करेगा। रो को ही अपने क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, आज का अपना टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट है। आपने समझ लिया कि प्रतिरोध क्या होता है और इसके विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, किस किस पे ये निर्भर करते हैं। अब नेक्स्ट करेंगे अपने जो प्रतिरोध है आर, इनको क्या करेंगे, अपने संयोजन करेंगे किसमें, परिपथ में, कि परिपथ में ये किस प्रकार से जुड़ते हैं, कितने इसके प्रकार होते हैं, सब करेंगे।